हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। ऑस्ट्रेलियन लीग का एक मैच हो रहा है मेलबोर्न सिटी वर्सेस वेस्टर्न सिडनी के बीच। मैं आपको पता है कल रात के 1:30 बजे के बाद सुबह का पहला मैच है ये, और 8:45 कोई भाई साहब अर्ली मॉर्निंग तो है नहीं। मैं कहूँगा कि आप ये मैच आराम से खेल सकते हो, और मुझे पता है बहुत लोग वीडियो देख भी रहे होंगे और खेलेंगे भी। तो मेलबोर्न सिटी जो टीम है ये है पहले नंबर की रैंक्ड टीम ऑस्ट्रेलिया लीग में, और ये टीम कर चुकी है इस सीज़न 40 गोल, जो कि मजाक की बात नहीं है। और WSW टॉप 5 में है, लेकिन पता नहीं 5वें नंबर पे, शायद मेरे को याद नहीं है, 5वें 4थे नंबर पे है ना, तो थोड़ा सा वो पीछे रहा इनसे। और मेरे हिसाब से मेलबोर्न सिटी कैन वॉन दिस मैच इजीली। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, जाओ फटाफट करो ज्वाइन, डोंट मिस एनी अपकमिंग अपडेट। आज है सैटरडे, रात की 1-2 टीमें आएंगी ओपन, तो करो इन्जॉय भाई, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको सीधा स्ट्राइकिंग पे ही लेके चलता हूँ। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारी प्लेयर्स का रैंक शो नहीं हो रहा होगा, रैंक इन द सेंस आपको पॉइंट ही नहीं शो हो रहे होंगे। तो कई लोग जो पॉइंट बेसिस पे टीम बनाते हैं उनका खेल तो हो गया ख़त्म, अब हमारा खेल शुरू। अब क्या है कि मैं जब एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि के हार्वे एक इनकी टीम की प्लेयर है जिसने अभी खेलना शुरू किया है, मतलब आप ये लगा लीजिए गिनती के 4 मैच खेलिए इस सीज़न, 4 में से कर चुकी है 2 गोल, 4 में से 2 गोल, 4 मैच 2 गोल, मतलब 50% गोल रेशियो, ठीक है, सीधा सीधा हिसाब है। 8 मैच खेलती तो शायद 4 तक पहुँचे, 10 मैच खेले तो शायद 5-6 तक भी पहुँच सके। तो हार्वे को तो हम एक एज अ एक ग्रेट फ्यूचरिस्टिक प्लेयर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए, मैं हो सकता है मेरी परख गलत हो, लेकिन हो सकता है मेरी परख बहुत भी सही भी हो, तो मैं हार्वे के साथ ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद एच क्रिस्टियाना को जो लोग छोड़ रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं मेरी नज़र में, वो पागल हैं, क्योंकि एच क्रिस्टियाना जैसी असिस्टर आपको पूरी टीम में मिलने नहीं वाली। उसके बाद मिडफील्डिंग में मोस्ट गोल करने वाली प्लेयर एल्बोस्ट, एक तो होता है ना कि थोड़े बहुत गोल करना, एक होता है कि थोड़े बहुत असिस्ट करना, लेकिन एक ऐसी प्लेयर ज़रूर होती है टीम में, या ऐसा प्लेयर ज़रूर होता है टीम में जो हर मैच में सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और जितने मैच वो खेलता है उसका गोल रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है बोस्ट। बोस्ट के गोल रेशियो आर वेरी हाई, मतलब मुझे लगता है कि गोल चांसेस भी बहुत हाई हैं। उसके बाद एल हगीस को नहीं ले रहा, मुझे पता है इट्स रिस्की, लेकिन मैं ले रहा हूँ स्पैकमेयर को, क्योंकि ये लड़की मिडफील्डिंग और स्ट्राइकिंग भी जानती है, इसलिए भाई इसका होना ज़रूरी है। तो ये चारों प्लेयर मेरी हो जाती हैं डन, वो भी बहुत अच्छी तरह। बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो ऑपोजिशन टीम में तो देखिए हार्डिंग के साथ ही जाओगे, मेरे को पता है रूए अच्छी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हार्डिंग इज़ ग्रेट, मैं कहता हूँ कैस्पर्स भी नहीं खेल रही तब भी हार्डिंग अच्छी है। मिडफील्डिंग की बात करें, यहाँ पर है एस सवेस्का, जो कि इनकी बहुत कॉमन प्लेयर है, कोई भी आदमी या बंदा नहीं होगा जो इसको छोड़ेगा, क्योंकि सबको पता है सवेस्का इसका कॉमन प्लेयर। उसके बाद ई हराडा और चेसारी में से आई एम गोइंग विद चेसारी, क्योंकि हराडा वगैरह तो खास नहीं है। और गुड डिफेंडिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ इन अपनी मेलबर्न सिटी की फर्स्ट डिफेंडर एलेक्सिया, सेकेंड वन इज़ टी ओटो, और थर्ड में है स्टॉट। स्टॉट ज़्यादा मैच खेलती नहीं है, स्टॉट का ना एक्सपीरियंस तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ थोड़ा ना गेम थोड़ा डाउन हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ जो पहले जोर था वो नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह व्लैजनिक अगर खेले तो व्लैजनिक के साथ मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। स्टॉट अच्छी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ अच्छी है, लेकिन व्लैजनिक एक उभरती सितारा कह सकते हैं हम, ठीक है। और बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, तो कामिस के साथ जा रहे हैं, और एस कामिस इज़ अ ग्रेट प्लेयर, मतलब मैंने इसकी गोलकीपिंग्स पहले भी देखी हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार मैच कवर कर रहा हूँ इनका, मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ, मैंने पिछले सीज़न भी देखा था। और बात करें कैप्टन की, तो मेरी जो कप्तान है ना वो है बोस्ट, और जो मेरी वाइस कप्तान है वो है एच क्रिस्टियाना। अब बोल कई लोग सोचेंगे क्रिस्टियाना को क्यों रख रहा है भाई, जब आपको हार्वे पे इतना मतलब ट्रस्ट है, तो मैं आपको बताऊं आप हार्वे को भी रख सकते हो। क्रिस्टियाना को वो लोग रखेंगे जिनको सेफ जाना है, बट यू इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क तो हार्वे ज़्यादा बेटर है। तो ये रही मेरी टीम, आप चाहो तो वाइस कैप्टन इन दोनों को ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।